रोटी को ज्यादा देर तवा पे छोड़ देते हैं तो रोटी जल जाती है ना, वैसे ही किसी इंसान को ज्यादा देर कुर्सी पे छोड़ देते हैं तो वो अहंकारी बन जाता है, उसका अहंकार बन जाता है। पूर्वी दिल्ली का मौजपुर इलाका है और यहीं पर इंडिया गठबंधन का कार्यालय है, यानी इस सीट से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने मनोज तिवारी जो पिछले दो बार से लगातार सांसद हैं और इस बार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो इंडिया गठबंधन का जो ये दफ्तर है यहीं से कन्हैया कुमार की पूरी रणनीति तैयार होती है और सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ जाते हैं, क्या उनके प्रोग्राम है, वो यहीं से तय होते हैं। यहाँ पर आईटी सेल है, सोशल मीडिया के लोग हैं, यहाँ पर वो पूरा तय करते हैं कि कैसे सुबह से लेकर शाम तक उनको क्या करना है। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया के तमाम लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी यहाँ पर लोग हैं जो इस पूरे चुनाव कार्यालय को संभाल रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उनका चुनावी अभियान है उसको कैसे अंजाम दिया जा रहा है। क्या काम करते हो? हम झंडा बनाने का काम करते हैं। जिम्मेदारी मिली है तुमको झंडा बनाने की? हाँ जी, झंडा बनाने की जिम्मेदारी। पैसा मिलता है या अपनी और तरफ से कर रहे? कैसे? नहीं जी नहीं है, तो वैसे ही कर रहे हैं, सपोर्ट में खाना पीना मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो कितने झंडे लगभग बन जाते होंगे दिन में? यहाँ दिन में झंडे 500-700 झंडे बराबर बना देते हैं, कुछ बंदे बाहर भी जाते हैं जी झंडा लगाने के लिए। कितने लोगों की टीम आपकी? हमारी 20-22 लोगों की टीम है जी। यही काम करती है? हाँ जी यही काम करती है, कोई झंडा लगाता है कोई। अभी तो तुम दो तीन लोग काम कर रहे हो? कुछ लोग बाहर गए हुए भी। अच्छा, जहाँ पर प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी बंदे जाते हैं। ये हमारा चुनाव का कार्यालय है जहाँ से हमारे चुनाव का संचालन किया जाता है। यहाँ पे हम आम जनता की समस्याओं को नोट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर उन समस्याओं से हम हमारे प्रत्याशी जी को अवगत करवाते हैं और प्रत्याशी जी आम जनता तक जब जाते हैं चुनाव प्रचार करने तो उनकी समस्याएं उनके बीच में रखते हैं और हमारे चुनाव का यहाँ से संचालन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। जो भी मूलभूत प्रचार सामग्री है वो यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं सभी विधानसभाओं में, 10 की 10 विधानसभाओं में, और उत्तर पूर्वी लोकसभा की जो समस्या है वो हम नोट डाउन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, हमारे यहाँ पे करीबन 200-300 लोगों की टीम है जो सिर्फ चुनाव का मैनेजमेंट और एक केंद्रीय कार्यालय का मैनेजमेंट देखती है। नहीं आते हैं यहाँ पे? आते हैं, कन्हैया जी आते हैं, हमारी भी मीटिंग लेते हैं, रिव्यू मीटिंग भी लेते हैं। क्या बात करते हैं? आते हैं रात तक, देर तक फ्री होते हैं वो 12-1 बजे तक, और यही बस ये पूछते हैं भाई चुनाव क्या चल रहा है, जनता की क्या समस्याएं है, आज जनता ने क्या फीडबैक दिया, हमारा रिव्यू चेक करते हैं डेली, पूरे कार्यकर्ताओं का डेली रिव्यू चेक करते हैं और सुबह जल्दी आ जाते हैं 5:30-6 बजे, फिर यहीं से चुनाव कार्यालय से ही प्रचार चालू करते हैं। हमारा डेली काम यह रहता है कि हमको जिस तरीके से जो मैनेजमेंट संभालना हुआ या फिर खुद प्रचार के लिए जाना हुआ तो जिस तरीके से जो हमारा रूटीन रहता है वो काफ़ी मेहनती भरा रहता है, और इसके अलावा जिस तरीके से हमारा जो डेली रूटीन है वो ये रहता है कि कितने लोग कैंपेन के लिए आए हुए हैं और किस तरीके से उनका वर्क अलोकेशन करना है या फिर कितनी विधानसभाओं में कितने लोगों को भेजना है, तो वो एक सिस्टमेटिक पूरा मैनेजमेंट का काम है। कन्हैया जी डेली आते हैं, हमारी जूम पे मीटिंग भी होती है, और सबसे 1-to-1 जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ से जो उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार जी का सबसे 1-to-1 संवाद रहता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आधी रात में अगर कन्हैया जी को कॉल किया जाता है तो वो तुरंत आंसर करते हैं। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है वो एक वेग मैनिफेस्टो ना हो, वो लोगों की असल प्रॉब्लम्स या जेन्युइन प्रॉब्लम्स के बेस्ड हो, तो उसी के लिए हमने एक नंबर है जो लोगों को जनसामान्य में पहुंचा रखा है और उसके माध्यम से हमने लोगों को अवगत करा रखा है कि इस पर आपके जैसे भी सुझाव हो, जो भी आपकी नाली का विकास हो, रोड का विकास हो, या जो भी आपकी समस्या हो आप उस पर साझा करें, ताकि फिर हम उसका इवैल्यूएशन करके, जैसे समस्याएं हैं सड़क की समस्याएं, हर वार्ड की अपनी समस्या, विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्या, लोग समस्याएं भेज रहे हैं, लोग समस्या भेजते हैं। कितनी लगभग समस्याएं? कम से कम सर 6,500 कॉल मैं रिसीव कर चुका हूँ जब से ये नंबर चालू हुआ, उसमें कुछ कॉल मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल दोनों सर। सोशल मीडिया में जैसे कि भैया गए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी फुटेज आता है, वीडियोज आते हैं, तो उनको एक कंपाइल फाइल करके छोटा वीडियो बना के एक रील फॉर्म में बना के लोगों तक वो मैसेज पहुँचाता है। सेना की तरह हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे भी हमें
न्याय के लिए, चाहे जो भैया का मुहिम है और देश का जो जरूरत है और जो जिस चीज के लेके हम हमारी लड़ाई है संविधान बचाने काबा गर्ल नेहा सिंह राठौर भी कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंची। उनके आने से पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए गए। हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा किया और यहाँ के लोगों से भी बात की। यहाँ से सांसद है भी वर्तमान में मनोज तिवारी, कन्हैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनोज तिवारी ने कुछ काम किया है इधर? अभी तो देखो ये सब गलत अपने आप हम सब बनवाए हैं। हाँ, रोड देखो कैसे हो रहा है। अब ये ऐसे रोड हैगा ना, वो ओला गाड़ी है ना ऑटो आए, तो अपना काम करने आवे बस। हाय हो घर के लिए जनता उठ जा, कंबल बांट के जो पब्लिक में 10-10 रुपया की कंबल से खुश हो गई, बस कहानी खत्म। ये चीज कोई नहीं देखता सड़क पे क्या हो रहा है। बारिश के टाइम में आओगे ना भैया, हाँ, आपको निकला भी नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा, हाँ, अगर अब भी बारिश है जाए तो आप पहुँच नहीं पाओगे, कुछ तक कैसे पहुँचोगे? हमारे गली भैया हमें नाइसा बन जाए गली, तो ये तो बन गई सड़क अपने, हमारे कीमत है, हमें बनाई बनिया बनवाई है अपने आप से पैसा इकट्ठा करके कॉलोनी वालों ने। नहीं, अच्छा, सब ने अपने अपने घर के आगे की बनाई है। अच्छा, कीमत नहीं, ये पूरी गली वहाँ तक? हाँ, तक। अभी तो नालियाँ दिख रही हैं, सड़कें दिख रही हैं, ठीक है, दिख रही हैं। अभी थोड़ी सी बारिश होगी ना तो ना सड़कों का पता होगा, ना नालियों का पता, ना लोग का पता होगा, और ना इन नेताओं का पता होगा। ये फैक्ट है। अभी तो मतलब रास्ते दिख रहे हैं तो सबको ही आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं आते जब पानी होता है, जब नाले गलियों में पानी होता है। इतना बुरा हाल के लोग मतलब बारिश होने पे, थोड़ी सी 10 मिनट बारिश हो जाए तो लोग घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं और हाथ में चप्पल जूते लेकर के निकलते हैं। वोट ले, जब हाथ जोड़ते डोले जहाँ, वोट पड़ने के बाद ये देखो हमारी गाड़ी काफी बढ़िया, हम तो आपके काई वोट देंगे ना, हमने देना वोट, वोट ही ना करोगी? हमारे बालक स्कूल को जाए इतने इतने पानी में, हम सामान लेने जा रहे इतने इतने पानी में, कोई फायदा है? ये देखो गंद, ये देखो यार, घर कौन बनवाएगा? बेचना ही सोचते हैं, सब सोचते हैं बेच बेच के निकले यहाँ से, कौन रहेगा इस गली में जब इतनी गंदगी है यहाँ? बदबू आती है ना? हाँ, बहुत। अभी तो कुछ नहीं, बारिश के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। कोशिश करो कि यहाँ की नालियाँ बनवाएं, ये पानी सारा निकल निकल के बाहर आता है। दशा इतना खराब है यहाँ, 5 साल आते हैं वोट लेके चले जाते हैं सब, और अभी तो ऐसा आदमी हाल हो गया। बीजेपी भी आई, 5 साल बोली वादा करके गई कि हम बहुत कुछ करेंगे, वो भी निकल गई। अब आदमी पार्टी आएगी वो भी इस करके चली जाएगी। आदमी तो बस 5 साल देके लेके वो निकल जाते हैं, बस यही हाल है यहाँ का। कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं तो कन्हैया कुमार से पहले वादा करें ना यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, हाँ हम यहाँ काम करेंगे, तब वोट लेके जाए यहाँ से। अब यहाँ का पब्लिक क्या करती है, यहाँ का आदमी क्या करेगा? यही करता है ना कि भाई आप वादा करके चले जाएंगे, आदमी पब्लिक तो चलो ठीक है विश्वास कर लेती है, हाँ चलो हम अब की बार नया चेहरे को हम देखते हैं। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, जनता जो ठान लेती है उसको होने से रोक नहीं सकता है। और हम वो भारत के लोग हैं कि जब परिवर्तन का मन बना लेते हैं तो परिवर्तन जरूर करते हैं। और इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा, जाम की समस्या से मुक्ति के लिए, डबल पुस्ता रोड के लिए, सभापुर में अंडर पास के लिए। दो बार के सांसद हैं आपके सामने और तीसरी बार भी उन्हें ही टिकट मिला है, तो कन्हैया कुमार अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए दोनों बात ना उसमें बड़ी जो है ना गहरी जो है बड़ा गहरा अंतर विरोध है, बड़ा जो है भारी जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो जो है दो बार के वो सांसद हैं, ऐसा मुझे लगता है कि उनको खुद ही इस बात का भरोसा नहीं है कि वो दो बार के सांसद हैं। दो बार का सांसद जो है ना अपने नाम पर वोट मांगता है, वो कहीं भी अपने नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं।
अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कन्हैया को क्यों चुने? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कन्हैया को नहीं चुनना है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान को चुनना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, अभी हम सभापुर बाढ़ से आ रहे हैं, तब से जो है लोग ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, इसके चलते जो उनको प्रॉब्लम हुआ है वो अंडरपास की डिमांड कर रहे हैं। एलिवेटेड जो है सड़क थी उसको जो है वो जो है वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली से लोग अगर दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश जाएंगे फिर वापस दिल्ली आएंगे तब घर पहुँचेंगे, तो यह परेशानी रोज उनको उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ जब आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो आपको यह अपने आप प्रतीत होगा कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे कम अगर आपको विकास के कार्य दिखेंगे तो उत्तर पूर्वी इलाके में दिखेगा। जितनी भी जनसभाएं आप कर रहे हैं वहां आप खुद उसका जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो का, उस इंसिडेंट का जो 2016 में हुआ, तो क्या वो चीजें जो 2016 में हुई वो अभी तक परेशान कर रही है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। तो मैं बस वो तर्क से लोगों के सामने रखता हूँ कि मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाते हैं और 10 साल से लगा रहे हैं, बिल्कुल अगर इनके पास सबूत है तो मुझे जेल में क्यों नहीं रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया उसका कि प्रधानमंत्री जी जी ही रात को मेरा टिकट अनाउंस हुआ, सुबह सुबह अहले सुबह अपने पहले भाषण में ही उन्होंने इसका जिक्र किया। हाँ। फिर उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो करती है कि प्रधानमंत्री कुछ मुंह से निकाल दें, हाँ। तो लोग पीछे करने लगते हैं, जैसे पिछली बार जो है हर कोई अपने नाम के साथ लगा रहा था मैं भी चौकीदार, अब इस बार जो है लोग लगाना मोदी का परिवार, ठीक है। तो लेकिन मैंने देखा कि जो है अदानी जी ने नहीं लगाया अपने नाम के साथ मोदी का परिवार, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया अपने नाम के साथ मोदी का परिवार। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है, और जैसा अंग्रेज करते थे ना डिवाइड एंड रूल, तो उसी तरह से ये लोग ना डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। चाहिए बताइए, परिवार में सब ठीक हो गया? अभी परिवार से मतलब है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्योंकि पिछले दिनों काफी आपके नाम को लेकर जब आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो काफी विवाद हुआ, कुछ लोगों ने बिल्कुल खुल के आपका विरोध किया, और फिर बाद में 3-4 इस्तीफे भी हुए जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लवली जी ने भी इस्तीफा दिया। नहीं ना, इसमें पूछने कहने की क्या बात है, देखने की बात है कि जो है हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी की सभाओं में जा रहे हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं, दिल्ली के सीएम ने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए रोड शो किया, कांग्रेस के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो देख ही रहे। रही बात कांग्रेस पार्टी में छोड़ के जाने की लवली जी की, लवली जी कौन सा पहली बार छोड़ के गए हैं, उसको हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बृहस्पतिवार यानी 16 मई को हमने कन्हैया कुमार से विस्तार से बातचीत की, वहीं अगले दिन उन पर दो युवकों ने रोड शो के दौरान गले में माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। भाजपा समर्थित मनोज तिवारी समर्थित उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो एक कायराना हमला किया गया। देखिए, हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं, मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है, जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं, और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है, ये कितनी भी कोशिश कर लें हम रुकेंगे नहीं। कन्हैया कुमार को टिकट मिलने से लेकर पार्टी में हुए विवाद और बाद में कई नेताओं द्वारा कांग्रेस से दिए इस्तीफे के बारे में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया। मैं समझ रहा हूं कि जिन लोगों की टिकट की मंशा थी, those who were connected somewhere with the BJP, इन लोगों का ये इंस्पायर्ड इंड्यूस्ड इंसिडेंट था।
दे डिडंट वांट दैट कन्हैया कुमार शुड लैंड इन दिल्ली. वो चाहते थे कि किसी भी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी और अन्य दलों की भी सोच थी कि इसको यहाँ रोक देना चाहिए. दिल्ली के हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों की भी कुछ इमेच्योरिटी को ना समझ कहूँ, वो सोचते थे कि उनके लिए और कोई कॉम्पिटिटर यहाँ खड़ा हो जाएगा नेतृत्व के लिए. तो ऑल दोज फैक्टर्स कंपाउंडेड टूगेदर इन लोगों ने ये जो है हंगामा मचा रखा. आप देख सकते हैं कि जितना भी हंगामा मचाया, प्रदर्शन करवाया, किराए के लोगों से करवाया, कहीं कहा कि हम बड़े मात्रा में लीडर्स जा रहे हैं, तो जो लोग बीजेपी से आए थे लवली के साथ वही चार लोग फिर से वापस चले गए. तो मेरी समझ में होल शो वो समवेयर इंड्यूस्ड बाय बीजेपी. जब कन्हैया के लिए प्रश्न उठाते तो उसके साथ आपका दायित्व तो बनता है कि मनोज तिवारी को भी आप दाखिल करो कि वो बाहरी है, क्यों नहीं करते हैं? यहाँ दिल्ली में भी जो है जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी ज़्यादातर बन नई दिल्ली से सब बाहरी रहे, क्यों पर नहीं करते और सिर्फ कन्हैया को ही टारगेट करते हैं? क्योंकि मीडिया में बीजेपी की पहुँच ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए कन्हैया को टारगेट करते हैं. बिकॉज कन्हैया इज कॉन्स्टेंटली रेजिंग इनकन्वीनियंट क्वेश्चन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी, इसलिए कन्हैया को अटैक करते हैं. तो उसको ये ठीक नहीं लगा. कन्हैया की वजह से कोई बवाल नहीं हुआ. आप लोग जो बवाल का जिक्र करते हैं, दो तीन चार लोग, ये पार्लियामेंट के 22 लाख मतदाता में से चार लोग आवाज़ उठाते हैं और उसको आप कहते हैं वो बवाल है, तो मैं आप सबकी जो है समझ के पर भी नमस्कार करता हूँ. दिस इलेक्शन सीजन Your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.